असलम वेलकम बैक दोस्तों कैसे हैं आप सब आज की वीडियो का आगाज हम अपने वर्क प्लेस से करेंगे जैसा कि आप लोग जानते हैं आई एम जॉबियन सो डेली अपने वर्क पे जाना काम काज करना और ब्लॉग बनाना और घर आके रफ्तारी की तैयारी करना और जो जो घर में होता है छोटी मोटी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करना ये तो हमारे रोज़ की रूटीन बन गई भी है और आज भी यहाँ पे हम कुछ स्कूल का काम कर रहे थे साथ में हमने का सोचा क्यों ना ब्लॉग बना लिया जाए क्योंकि आप लोगों को भी अपडेट रखना लाज़मी होता है ज़रूरी होता है सो so, ये कुछ सिलेबस था हमने उसको टैली करना था और कुछ मिस्टेक्स थी उनको पॉइंट आउट करना था और हमने सबमिट करवाना था सो so, ये हम काम कर रहे थे और अपना सनी डे इन्जॉय कर रहे थे और आज की जो मेरी लुक थी जो मेरी ड्रेसिंग थी वो मेरा लाइट कलर का सूट था साथ मेरी मैचिंग चीज़ें भी मैच हो गई थी एक्सेसरीज थी वो मैंने कहा क्यों ना पहन के शो मो मार लूँ और चलते हैं अपने जॉब पर यह एक्चुअली वॉच एंड जो शेड्स थे मेरी बहन के थे वो सो रही थी और उसके मैं चुरा के चोरी चोरी ले गई थी क्योंकि बहुत अच्छी दोनों चीज़ें एग्जैक्ट मैच हो रही थी मेरे सूट के साथ एड सन तो मैंने नहीं थे लगाए वहाँ पर लेकिन घर आके काफ़ी लगा लोगों के मैंने इसके साथ वीडियो बनाई ब्लॉग बनाया ताकि अपने ब्लॉग में ऐड कर लिया करूँ कलर बड़ा प्यारा था कलर बड़े शार्प आ रहे थे इसके इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किए जाएँ उसके बाद घर आके रेस्ट वगैरह करने के बाद जी ये मानो थी मानो को भी हमने टाइम देना होता है अपने ये उसका प्ले टाइम था और मेरा मी टाइम था क्योंकि सारा दिन में काम काज करने के बाद आ, इसको भी टाइम देना होता है इसके साथ कुछ खेल कूद करनी होती है और जी यहाँ पे पहले तो ये बहुत ड्रामेबाजियाँ लगा रही थी वीडियो के बगैर ऑफ कैमरे में योयो -यो के साथ काफ़ी बहाने कर रही थी जैसे कैमरा ऑन किया इसको पता चल गया और ये मीठी बिल्ली बन के बैठ गई फैर उसके बाद जी यहाँ पे मुझे एक मेरा पार्सल रिसीव हुआ था दराज से आ, ये पार्सल वैसे तो मेरा नहीं है मैंने किसी के लिए मंगवाया था लेकिन किसी ने मुझे कहा था कि आप हमें दराज से ये चीज़ मंगवा दें ये बेसिकली चारकोल पाउडर था जो कि तीत पे अप्लाई करते हैं उसकी जो पिलाहट होती है उसको दूर करने के लिए सो आई डोंट नो कि इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है लेकिन मैं आपको जब वो यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट पूछ के आपको लाजमी बताऊँगी एंड देन जी आज अवतारी की भी तैयारी करनी थी और अवतारी में आज जो शेफ थी मास्टर शेफ़ वो मेरी बहन थी क्योंकि आज उनकी बारी थी अफतारी बनाने की वो यहाँ पे तकरीबन चिकन पाई कुछ टाइप बना रही थी ये चिकन का बैटर उन्होंने तैयार किया हुआ था साथ में एग बीट करके रखा हुआ था और जी साथ में ये बाकर का चूड़ा चूड़ा करके रखा हुआ था दो तीन चार आई थिंक बाकरहानी इसमें हमने डाली थी क्योंकि बाकरहानी से हमने ऊपर अपनी पाई को कवर करना है और आई डोंट नो किस तरह की ये बनेगी आपको लाजमी मैं बताऊँगी और उसकी लास्ट लुक जो होगी वो खाने से पहले इन आप लोग के साथ लास्ट में शेयर करूँगी कि हाउ इट लुक्स एंड ये देखें अब यहाँ पर क्या क्या हो रहा है इसने पहले मैं देखी रोटी सिम्पली बेक की uh, बेली एंड देन ऊपर चिकन का बैटर लगाया और ऊपर एग की कोटिंग अप कर रही हैं और ये देखें जी किस तरह राउंड एंड राउंड एग डाल रही ये और मैं पास खड़ी होकर वीडियो बना रही थी खैर वो अपना काम कर रही थी और मैंने कहा यहाँ पे और भी मुझे बहुत से काम है आपको दिखाने के लिए ये मेरे ना सेंटले से फ्लावर्स और कोई डेकोरेशन टाइप चीज़ बनी थी मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ इसकी फाइनल लुक ये है और ये किस तरह बनाई है कैसे बनाई है इसकी भी वीडियो या शॉर्ट आप लोग के साथ मैं लाजमी इंशाल्लाह शेयर करूँगी और एक दो दिन तक आप लोग फ़िलहाल ये देखें कि इस तरह मेहनत हुई है छोटी छोटी चीज़ें या छोटी छोटी चीज़ों में ज्यादा मेहनत होती है उनके बाद जब सारी वीडियोस बनाने के बाद मैं किचन में, में आई तो मामा ने अफ्तारी के लिए ज़बरदस्त सा ठंडा ठा टेस्टी सा स्ट्रॉबेरी जूस रेडी किया हुआ था क्योंकि अफ्तारी में सारा दिन प्यास लगी होती है और अब मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया है तो थोड़ा ठंडा चीज़ इस तरह जूस वगैरह फ्रेश जूस पीने से अलग ही सुकून मिलता है सेटिस्फेक्शन मिलती है सो एक प्यास बुझ जाती है हम जामिश्री वगैरह यूज़ नहीं कर रहे फिलहाल आज हम फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल ही कर रहे हैं और जी ये अब सारा काम काज हो गया था जो हमने टॉपिंग वगैरह करनी थी सब कुछ रेडी हो गया था इसको हम अब रखने जा रहे थे बेकिंग ओवन में इसको पहले से प्री हीट करना होता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली मम्मा इसका बटन तो ऑन कर चुकी थी लेकिन इसका टाइमर लगाना भूल गई थी और हम यही समझते थे कि वो बेचारा ओवन प्री हीट हो रहा है लेकिन हैर जब हम इसमें रखने लगे अफतारी में टाइम भी थोड़ा था और हमारा ओवन प्री हीट भी नहीं था और इसको अप्रोक्सीमेटली बीस से पच्चीस मिनट चाहिए थे बेक होने के लिए और अफतारी में पंद्रह मिनट थे हार्डली और फिर भी हम उम्मीद के साथ बार बार इसको आके चेक कर रहे थे कि मे बी अफ्तारी से एक मिनट पहले ही अगर ये बेक हो जाए तो हम लोग इसी के साथ अपनी अफ्तारी कर लें लेकिन अल्लाह को है जो मंजूर टाइम पे तो हमारा ये रेडी नहीं हो सका लेकिन हमने टाइम के बाद इसको हमारा नमाज अफ्तारी के बाद नमाज वग़ैरह पढ़ने के बाद जब हम आए तो जी ये हमारी रेडी हो गई भी थी चिकन पाई हमने दो मटेरियल्स रेडी किए थे एक हमारे लिए और एक हमारे नेबर्स के लिए आ, ये स्क्वेयर शेप में जो था ये नेबर्स के लिए था और राउंड शेप में जो था वो हमारे लिए था क्योंकि चीज़ें बांटने से प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है आप लोग भी शेयरिंग किया करें ऑब्वियसली शेयरिंग इज़ केयरिंग सो लाजमी अपने अवतार में से दूसरों का भी रखा करें और अपने हमसायों को लाजमी याद रखा करें लाजमी उनके साथ शेयर किया करें अपनी रफ्तारी चाहे थोड़ी हो ज़्यादा हो थोड़ा बहुत लाजमी शेयर करना चाहिए इस तरह अल्लाह ताली भी खुश होता है और हमारे भी दस्तरखान में बरकत डलती है हमारे नेबर्स भी रोज़ हमें कुछ ना कुछ भेज देते हैं और हम भी रोज़ कुछ ना कुछ उनको भेज देते हैं तो इस तरह काफ़ी अच्छा हमारा चलता रहता है काफ़ी अच्छी हमारी रफ्तारी चलती रहती है हम एक डिश भी बना लें तो एक दो उधर से आ जाती है तो हमारा अच्छा सा टेबल रेडी हो जाता है और ये बेक होने के बाद जी फ़ाइनल लुक ये थी नमाज के बाद इसको हमने खाया था और बहुत 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 मज़े की बहुत लजीज़ था खेर उसके बाद जी यहाँ पे कुछ इबादत के दिन है क्योंकि आहरी इश चल रहा है और यहाँ पे कुछ नमाज वग़ैरह के बाद कुछ तस्वीर वग़ैरह हाँ कर लें क्योंकि इबादत के दिन है ये दिन दोबारा हमें पता नहीं नसीब होते हैं कि नहीं होते इसलिए इन दिनों से जितना ज़्यादा हम फायदा उठा सकते हैं उठाएँ अपनी फिंगर्स पर हमें लाजमी कुछ ना कुछ व्रत वग़ैरह करते रहना चाहिए और जैसा कि आप लोग को पता है अवतारी के बाद सबको चाय का नशा चढ़ा होता है तलब हुई होती है सो यहाँ पे दो चाय मैं बना रही थी बेसिकली एक चाय थी कहवे वाली और एक चाय थी विदाउट कहवा uh, uh, कैवे वाली चाय जो थी वो हम सब लोगों के लिए की थी मेरे लिए मामा के लिए पापा के लिए और जो विदाउट कैवा चाय थी वो मेरी वन एंड ऑनली नखड़ीली सिस्टर के लिए थी क्योंकि जनाब वो बिल्कुल पानी वाली चाय नहीं बर्दाश्त करती उनको बिल्कुल प्योर चाय चाहिए, चाहिए होती है कहवे के बगैर और ये बड़े प्यारी से लुक आ रही थी उबल उबल के चाय पागल हो रही थी मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी और जी मैंने सोचा क्यों ना इसको भी ऐड कर लें प्यारी सी चाय चाय तो सबको ही पसंद होती है चाय की सर्विंग करके सबको देने के बाद मैं जा रही थी अपने रूम की तरफ यहाँ बैठ के मैंने आप लोगों से बातें करनी थी अपना फ़ोन यूज़ करना था तो और सारे बहुत सारे काम होते हैं हमारे मोबाइल पर देखने को तो लगता है कि कोई काम नहीं है लेकिन बहुत सारे काम होते हैं चाय लेके यहाँ पर आ गई थी बेड पर और ये मेरा इलेक्ट्रिक रिमोट कंट्रोल फैन था इसके साथ अपना फ़ैन ऑन करूँगी क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है तो अब जरा होता है मैं कि हम लाइट लाइट सा फ़ैन ऑन करें और उसके बाद जी ये मानो इंतज़ार कर रही हैं पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं शायद इनको भी चाय की तलब है सो so, जनाब आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती हों तो हमें लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को हम नए अपने चैनल पे ज़रूर उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी